इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कार्रवाई कर दी बहुत तत्काल में, अभी 9 बज रही है, 9 बजे पूरी कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन 8 बजे सक्रिय हो गया था इसके अंदर, यदि प्रशासन की कार्रवाई कभी तो 10 बजे 11 बजे स्टार्ट होना थी। आपको क्या लगता है किस दबाव में कहानी है? तो यहाँ पर दबाव है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक वक्फ आ गया जो शासन की जमीन को अपने अंडर में ले चुका है, बड़ी बड़ी जमीन खा चुका है वक्फ के नाम पे। तो ये जो जमीन 84 नंबर का, ये भी बड़ा मरघट की बड़ा हिस्सा है और इस पे वक्फ माफिया ने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। बहुत टाइम से इस पे विवाद चल रहा था और बाहर फिलहाल की कंडीशन में यहाँ पर गेट भी लगा हुआ था, मतलब ताला बंदी कर दी प्रशासन की इस पे, और इस पे वक्फ डिसीजन का इस्ते के बावजूद 84 नंबर मरघट की जमीन पर अभी आज बुलडोजर चलाया गया। मतलब उन वाल्मीकि समाज वाले लोगों से कोई शरण नहीं ली गई, उनकी आपत्ति नहीं ली गई, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। वाल्मीकि समाज को आपत्ति नहीं थी, उन्हीं लोगों के द्वारा 79 में मेरे पापा को यहाँ पर रखा गया था इसकी मरघट की देखरेख के लिए। जसोदा पटवारी ने सीमांकन किया था, पहले एक बार सीमांकन हो चुका है और सब मतलब आपको रखा गया था वाल्मीकि समाज द्वारा, लेकिन तोड़ा जा रहा है वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड के कहने से तो ये फर्जी अवैध तरीके से कराया। मुस्लिम कब्रिस्तान एक होता है, सूरत के आप भी पत्रकार हैं और आप कहीं भी पूरे भारत में पता कर लेना कि मंसूरी समाज का और ये अपने सीकर समाज का, गोची समाज का अलग कब्रिस्तान नहीं होता। ये कब्रिस्तान है हमारा वो कर्मचारी कॉलोनी में, दूसरा कब्रिस्तान पठानकोट पे, 2-3 बड़े कब्रिस्तान है। और ये जो कब्रिस्तान है सार्वजनिक कब्रिस्तान प्रबंधक नगर पालिका देवास, ये उसके अंदर शासकीय कागजातों में ये दर्ज है। शासकीय कागजातों में 1 एकड़ 71 डिसमिल मरघट दर्ज है, उसके बावजूद भी उस मरघट की जगह को ये मुस्लिम जो माफिया पिंजारे शाहिद मंसूरी पिंजारा है वो वकालत भी करता है और वो क्या करता है प्रशासन को गुमराह करता है। अभी भी उनने पहले से जाके गुमराह करा था कि 82 नंबर अलग है, तुम्हारा क्रिश्चियनों से बोला था कि अलग है, लेकिन अभी जो जांच हुई उसमें 83 नंबर जो है वो क्रिश्चियनों के उस अंदर निकला, क्रिश्चियन कब्रिस्तान 83 नंबर सर्वे। मतलब जमीन विवादित है अभी, हाँ, तो कोई फैसला नहीं हुआ, हाँ, उसके पहले ये सारी कार्रवाई हुआ अभी कार्रवाई। और अभी उन्होंने आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? करीब 65 साल से मेरे पापा रहते थे। वो सुनवाई का मौका दिया आपको? अरे सुनवाई का मौका परसों शाम को 5:30 बजे पटवारी साहब वो लेके आए कि साहब ये है, अब मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने बताया कि साहब आप ये ले लो। अब अपन चाहते तो नहीं लेते, लेकिन अपन क्या बुद्धिजीवी समझ रहे, अपन ने क्या मान लेंगे। जगह विवादित है, मरघट की जमीन है, कई समाजों में विवाद है और उसके बीच सर ये आज यहाँ पर मकान तोड़ा गया है एक विवादित भूमि के अंदर, क्या पूरी कार्रवाई है सर बताइए? ये इंक्रोचर के अगेंस्ट लीगल एक्शन था, इंक्रोचमेंट हटाने का, उनके अगेंस्ट एक लीगल ऑर्डर पास था जिस ऑर्डर पर कहीं से कोई रिलीफ नहीं थी, उसी के परिपालन में आज इंक्रोचमेंट हटा। ऑर्डर कई फेजेस में तहसीलदार ने पास किया था, उसकी ये उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिली, तब ये कार्रवाई की। जमीन पर क्या स्टे दिया हुआ है वक्फ बोर्ड ने? वो दूसरे इशू में है, ये इंक्रोचमेंट हटाने पर कोई स्टे नहीं है। शिकायत किसके द्वारा की गई थी सर? शिकायत नहीं तो लीगल ऑर्डर था पहले से, शिकायत ही फिलहाल पुराना ऑर्डर था सर का। ये ऑर्डर अभी 2022 में सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे जहाँ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला जी, उसी में